नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक चिंता के विषय से गुजर रहा हूं तो आप लोगों से सोचा कि डिस्कस कर लूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा अन्याय दोनों तरफ से हो रहा है पीड़ित पतियों के साथ। ये क्या है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको इससे एक ज़बरदस्त नॉलेज भी मिलेगी कि एक बहुत एक्सेप्शनल केस इन दिनों हवा में उठा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त भारतीय समाज और राजनीति का उथल पुथल का विषय बना हुआ है, उससे क्या आपको लाभ हो सकता है अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट का विषय है, इसको समझ के चलिएगा, आप यहाँ से ज़बरदस्त रिजल्ट्स ला सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। और एजुकेटेड होने का फायदा क्या है, आप स्किल माइंडसेट से चलते हैं। एक अभी क्या है कि नॉलेज तो इकट्ठी कर रहे हैं पर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सही गाइडलाइंस नहीं मिल रही है कि उसका रिजल्ट कहां से लाएं। तो अगर सही गाइडलाइंस मिल जाए तो हो सकता है आप रिजल्ट उससे ज्यादा बेहतर ला सकें जो आज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा स्टेप सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो ये सब चीज हमारे कोर्सेज का हिस्सा होती है, शार्प परफेक्ट और टू द पॉइंट नॉलेज। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है वही आपको जरूरत के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कीजिए, डिटेल्स मिल जाएंगी आपको सारी। और उसके बाद अगर आपको इच्छा होती है उस हिसाब से आप अपने लिए कोर्स चुन सकते हैं। दोस्तों अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं और इस वक्त आपको लग रहा है कि किसी कानूनी समस्या में बुरी तरह उलझे हुए और उसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहां व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपसे मैं डायरेक्ट कॉल करके बात करूंगा और आपके समाधान पर पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों देखिए, अभी राहुल गांधी एक प्रख्यात नेता है कांग्रेस के, पर क्योंकि मैं इससे पहले इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये किसी भी तरह से राजनीतिक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक सवाल खड़ा कर गया ये जो कार्रवाई इन दिनों राहुल गांधी के ऊपर हो रही है। तो ये मुझको एक सवाल खड़ा करके चली गई कि इतना त्वरित इन झूठी और मक्कार औरतों के खिलाफ क्यों नहीं किया जाता एक्शन कोर्ट्स के द्वारा, इवन लोअर कोर्ट्स जो बदनाम है इस चीज़ के लिए कि हमेशा जो कानून में लिखा हुआ है कानून संगत बात है उसको अवेलना करके सिर्फ ज्यादातर ये लोग फेमिनिज्म जो सूडो फेमिनिज्म है, क्योंकि फेमिनिज्म एक अच्छी चीज है पर सूडो फेमिनिज्म एक तरीके का कानूनी आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है सिर्फ लोअर कोर्ट्स की इन कोशिशों के बावजूद। तो मैं आज जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो बात किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी लोकतंत्र की और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या किसी राहुल गांधी के बारे में नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उन पत्नी पीड़ित पुरुषों की जो असल में लोअर कोर्ट्स की जातियों के खिलाफ अपने आप को दुखी पाते हैं, वहां लाचार पाते हैं। देखिए राहुल गांधी का केस काफ़ी लोग आप मेरे व्यूवर्स हैं नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। राहुल गांधी का केस कुछ इस तरह से था कि 2019 में उन्होंने किसी आम सभा के अंदर अपना चुनावी भाषण देते हुए मोदी नाम के लोगों के लिए इस तरह से एक टिप्पणी कर दी थी कि सारे मोदी चोर होते हैं। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मैं नहीं घुसना चाहता क्योंकि ये मेरा परिप्रेक्ष्य नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात बता रहा हूँ। अब सारे मोदी चोर होते हैं ये एक हवा में शगुफा उछाला जा रहा है और एक यह है कि तंज कसा गया, राजनीतिक तंज कसा गया, पर यहां हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ आपको सूचित करना है कि मैटर क्या हुआ था। अब इसके बाद हुआ ये कि वहां से एक गुजरात के अंदर सूरत में एक ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मैटर गया और जब ये वहां गया तो वहां पे इसको मानहानि के मुकदमे के थ्रू लड़ा गया, यानी 499-500 IPC में इसको लड़ा जा रहा था। पर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जिस पिटिशनर ने ये चीज की उसने स्टे लगा दिया और स्टे लगा के हाईकोर्ट से बकायदा इस केस को रुकवा दिया काफी लंबे टाइम तक, एक साल हो चुका था एकदम से, अभी गर्मा गर्मी हुई राजनीतिक और फिर वापस उसको खुलवा दिया गया। अब आपके मैटर को समझने का यहां से मुद्दा शुरू होता है। अब देखिए राजनीति के खेल को बिगाड़ना था इसलिए सरकार ने तुरंत फुरंत किसी भी तरह से कोर्ट के साथ व्यवस्था बैठा के या कोर्ट ने व्यवस्था करके सरकार का दबाव ना रहा हो, इसके बारे में जो भी है ये टिप्पणियां मेरे को मार्केट से मिली है, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ होगा, सरकार ने दबाव बनाया या कोर्ट ने लापरवाही की, मुझे नहीं पता। मुद्दा ये बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर बाकायदा फैसला दे दिया गया, जैसे वो केस आया कोर्ट के अंदर तो फैसला दे दिया गया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का, सिर्फ इतनी सी बात थी, उसके अंदर 2 साल के लिए बाकायदा जेल के लिए प्रावधान कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि यही वो जुडिशरी है जहां पर मनगढ़ंत आरोप जैसे चाहे आरोप पत्नी लगा रही है, पति व्यभिचारी है, कोई केस बनता नहीं है रेप का, पर ससुर या भाई या जीजा जो पति का है उनमें से किसी ने किसी के ऊपर रेप का केस लगा दिया। कई बार पुलिस इसको जांच के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हटा देती है या फिर आप क्वैश करा लेते हैं। उस सूरत में जब आप इसी तरह की डिफेमेशन का इसी तरह का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगाने जाते हैं तब वो एक दिन कहां चला जाता है, यही लोअर कोर्ट जवाब दे कि तब वो एक दिन कहां चला जाता है जितनी फुर्ती से ये डिसीजन दिया गया, इतनी फुर्ती से ऐसी प्राइमा फेसी वैल्यू का मतलब भी पता है। आप लोग जब केस लड़ रहे हैं
तब पुलिस को प्राइमा फेसी वैल्यू पता लग जाती है। कुछ सबूत नहीं है पर प्राइमा फेसी वैल्यू वो होती है जिसको बाद में साबित किया जा सके, जिसके पक्ष में एविडेंस दिया जा सके। पर लैंग्वेज ये यूज की जाती है कि प्रथम दृष्टि हमें लगता है कि 498A की क्रूरता हुई है। FIR के अंदर चार्जशीट फाइनल करते वक्त ये स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। इसी तरह से कई बार DV हो या 498 हो, मजिस्ट्रेट साहब भी इसी तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं कि हमें तो प्राइमा फेसी वैल्यू पे लग रहा है और डिसीजन दे देते हैं। अरे साहब, प्राइमा फेसी वैल्यू का मतलब है कि कल को आप अगर कहीं क्वेश्चन करते हैं तो वो एविडेंस के तौर पे देखिए कि किसी को मारा है तो उसके चोट वोट के निशान तो होनी चाहिए, कोई मेडिकल प्रूफ तो होना चाहिए। कितनी बड़ी एक त्रासदी है, कितनी बड़ी आर्नी है कि आपके इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो चीज मेडिकली एविडेंट होनी चाहिए उसको एक पुलिस का इंस्पेक्टर डिसाइड कर देता है कि मुझे प्राइमा फेसी वैल्यू पता लग गई। यानी कि मेडिकली एग्जामिन वैल्यू वहां पे होनी चाहिए। अगर किसी को मानसिक संताप है, और देखिए मजे की बात, ये मानसिक प्रताड़ना को क्रूरता से जोड़ दिया गया। प्रताड़ना क्रूरता का हिस्सा हो सकती है पर पूरी तरह क्रूरता नहीं हो सकती है, और उसके सबूत तो होने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। यहां भी ऐसी लिपापोती की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी कोई बहुत मजबूत सबूत नहीं है कि हाँ मतलब उन्होंने कोई बहुत बड़ा कर दिया। जुरिस्डिक्शन की बात है, जुरिस्डिक्शन बकायदा गुजरात का लगा जबकि वो कर्नाटक की सभा में कही गई बात थी, जुरिस्डिक्शन को अवहेलना कर दी गई। कौन सुनेगा, किसने सुन लिया, मजिस्ट्रेट ने, सब। तो ये जब राजनेताओं के खिलाफ हो सकता है तो फिर आप और मैं तो आम इंसान है। दुख की बात यह है कि क्या ये एक तरीके से प्रायोजित अभियान है मर्दों के खिलाफ कि हमें महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि एक तरीके से जो परिवार विघटन है उसकी पॉलिसी पे फोकस करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की लाश पर काफी लोग कमाने की सोचते हैं। कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है या गुजर रहा होता है, बड़े बड़े बिल फाड़ रहे होते हैं, गलत सलत बिल बना देते हैं। ऐसे ही कोई कफन वाला भी रोज ये सोचता है लोग मरे और कफन बिके। पर कम से कम परिवार टूटने का इंतजार तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कफन का तो कारण ये है कि लोगों के मरने से उसका संबंध है या अर्थी का मरने से उससे संबंध है, वो उसका व्यापार है, मजबूरी है कि वो ऐसा सोचता है। पर आपका व्यापार नहीं है कि अगर कोई कानून का पक्षधर है तो वो परिवार तोड़ने की बात करे। फैमिली कोर्ट्स सेटलमेंट के लिए बनाए गए हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। सेटलमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं चलता है, ऐसे लगता है जैसे पति एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और क्रिमिनल है और वो घर में घुस गया है किसी के, और उसने किसी की जान ले ली है, चोरी कर ली है, जान से मारने की, मतलब जान से मारने की धमकियां तो यूं लिखी हुई होती हैं कि हमको जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी है। ये एविडेंट होना चाहिए पर ये कहीं नहीं है। कुल मिला के गणित क्या है, कुल मिला के गणित यही है, परिवार विघटित होने चाहिए, और जितने परिवार मैक्सिमम विघटित होंगे उनकी लाशों पे, यानी कि वो जो परिवार विघटित हुआ उस परिवार की लाश पे बैठ के हम खाना खाएंगे। सवाल ये नहीं उठता है कि जुडिशरी पूरी तरह से गलत है, बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हाई कोर्ट्स भी, इवन लोअर कोर्ट्स भी अच्छे डिसीजन देते हैं, हम भी उनके जजमेंट्स जो हैं यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उन्हीं का रेफरेंस देकर आप भी मजबूत होते हैं अपने केसेस के अंदर। पर फिर भी अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि किसकी गलती है, क्या किसी वकील की गलती है कि गलत केस लगाया जाता है, या जुडिशरी की गलती है कि इंक्वायरी नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, वही डिसीजन बाद में पलट दिया जाता है हाईकोर्ट के अंदर आके कि गलत था, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हाईकोर्ट के कई गलत जजमेंट्स पलटे गए हैं। तो क्या जुडिशरी इतना सा भी तार्किक नहीं हो सकती है, कई बार इतनी लापरवाही नहीं होती, ये अनइंटेंशनली कहा जाए कि गलती से हो गया, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये गलती है थोड़ा बहुत पिटिशनर के अलावा जो इसके अंदर एक्यूज होते हैं, रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनकी भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना जानते, अपनी ड्राफ्टिंग को उतना मजबूत नहीं बनाते, अपने आप की तरफ से एविडेंसेस नहीं देते। टाइम पर एविडेंस देते तो हो सकता है कि केस ही ना चले, टाइम पे कोर्ट को अगर समझा दे तो हो सकता है कि केस लंबा चलने की जगह बात खत्म हो जाए। पर तारीख पे तारीख ऐसे केसेस में क्यों दी जा रही है, जबकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर सिर्फ 6 महीने में उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर उल्लेख किया गया है, फिर इसका उल्लंघन क्यों किया जाता है? DV मेंटेनेंस का केस कोई भी हो, चाहे HMA 24 या 125 हो, तीनों के अंदर बकायदा 60 दिन का प्रोविजन है कि इसमें डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। फिर इस पॉलिसी को क्यों नहीं फॉलो किया जाता, जब पत्नी को सबूत ही नहीं दे रही तो उसको खींचा क्यों जा रहा है? ना तो आप कोई बकायदा मुकदमे में ऐसा कोई उल्लेख कर रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर राहुल गांधी को यहां फंसाने के लिए हाथों हाथ ऐसा डिसीजन दे दिया गया तो फिर आप तो पति हैं, एक ऐसे पति हैं जिसको समाज में कोई जानता भी नहीं है। कितने लोग जानते होंगे आपको, 200-500 हजार आम आदमी है, उनके साथ तो फिर क्या ही हाल होगा। तो जुडिशरी को समझना चाहिए कि हर चीज किसी मोटिव से नहीं की जा सकती, जुडिशरी का काम है जज करना और जज करके बकायदा उसके रिजल्ट देना। मैं यहां पर जो गलत फैसले देने वाले कुछ कोर्ट्स हैं या जजेस हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो उल्लेखनीय कदम उठाते हैं और जबरदस्त फैसले देते हैं उनके फैसले बकायदा काउंट होते हैं, पर इतनी जबरदस्त लापरवाही तो आपकी वजह से एक इंसान के ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको भी एक बार विचार करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मानहानि का मुकदमा जो है उसको कैसे आप अपने केस में यूज कर सकते हैं वो आपको समझना चाहिए, कि आपको मानहानि का केस हर हालत में कहीं से भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप
इस राहुल गांधी वाले केस से ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपने शहर में बैठे हैं और आप इल्जाम दूसरी जगह से लगाया गया मगर उसकी नोटिस आपको सर्व की गई आपके शहर में और उसी वक्त आपको ज्ञात हुआ कि ड्राफ्टिंग में आपके लिए अनर्गल बातें लिखी गई हैं, इसलिए आप अपने शहर से लगा सकते हैं। इसमें यही रीजनिंग दी है क्योंकि जजमेंट गुजराती में है, 160 पन्नों का है, हमारी टीम इसको ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रही है, तब मैं हो सकता है इसके बाद और भी इनपुट्स दूं कि मानहानि के केस चलाने के इसके अंदर क्या क्या रीजंस दिए गए हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से इतनी फौरी राहत के साथ अगर जुडिशरी एक्ट करने लगे और इन झूठी महिलाओं के खिलाफ 500-340 CRPC इस तरह के एक्शन लेना शुरू करे तो क्या मजाल है कि कोई झूठा केस किसी पत्नी अपनी पति के ऊपर लगा दे। सवाल बनता है अगर जुडिशरी इसको कंसिडर करना चाहे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की एक तरीके से मानसिक हत्या होती है, कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को बकायदा पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, भावनाओं को लेकर लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं जिंदगी भर और उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाते। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, बहुत सारे आप जैसे पत्नी पीड़ित पुरुषों को बकायदा सब्सक्राइब करने के बोलिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को कि शायद सोच बड़ी हो हमारे सिस्टम की। थैंक यू।